ड्रग्स केस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो गया है। एक तरफ सोमवार को सुबह ही एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दिवाली से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का संबंध ड्रग पेडलर से बताकर बम फोड़ा। वहीं जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मलिक ने दिवाली से पहले फुस्सी बम फोड़ा है। फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि दिवाली से पहले नवाब मलिक फुस्सी बम लेकर आए हैं। जिन लोगों के संबंध अंडरवर्ल्ड से रहे हैं उन्हें मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का खुलासा करते हुए सबूत पेश करूंगा। मैं इसके लिए दिवाली का इंतजार कर रहा हूं और दिवाली गुजरने के बाद मैं इस बारे में खुलासा करूंगा। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा, रिवर फ्रंट नाम की संस्था की ओर से हायर एक शख्स ने हमारे साथ 4 साल पहले फोटो खिंचवाया था। अब उसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया, उसे लेकर अब नवाब मलिक ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि उस शख्स की तस्वीरें तो मेरे साथ भी थीं, लेकिन नवाब मलिक ने मेरे बजाय पत्नी के साथ की तस्वीर शेयर की। उन्हें पता था मेरे साथ की तस्वीर यदि वो जारी करते तो ये जवाब होता कि राजनेता के साथ कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है, और ऐसे में उन्होंने मेरी पत्नी के साथ उस शख्स की तस्वीरों को शेयर किया है। मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नवाब मलिक की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली है। वह दामाद के ड्रग्स केस में फंसने के बाद से ऐसी बात कर रहे हैं। दरअसल नवाब मलिक ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के ड्रग तस्करों से संबंध है। मलिक ने एससी आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर को भी निशाने पर लिया और सवाल उठाया कि वो वानखेड़े के घर क्यों गए। नवाब मलिक ने कहा कि जयदीप राणा नाम का एक शख्स ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में फिलहाल जेल में बंद है। मलिक ने दावा किया इस शख्स का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से कनेक्शन है। मलिक ने बताया कि जयदीप राणा फडणवीस की पत्नी अमृता राणा के एक मशहूर गाने का फाइनेंशियल हेड रह चुका है। इतना ही नहीं, मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र के अंदर ड्रग का धंधा खूब बढ़ा। नवाब मलिक ने कहा कि कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और बीजेपी के अरुण हल्दर समीर वानखेड़े के घर गए और उन्हें क्लीन चिट दे दी। उन्हें पहले जांच करनी चाहिए थी और फिर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी चाहिए थी। हम उनकी शिकायत राष्ट्रपति से करेंगे। मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर ही समीर वानखेड़े का ट्रांसफर एनसीबी में हुआ था। देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था ये स्पष्ट है, और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, मामला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसे निकाल लिया जाए। मुंबई पुलिस ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है एक्सटॉर्शन की, मुंबई पुलिस जांच कर रही है किडनैपिंग की। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं,
नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। आपको बता दें कि फडणवीस सरकार के वक्त चल चल मुंबई नदी संरक्षण अभियान चलाया गया था। इसमें मुंबई रिवर एंथम लॉन्च किया गया था और नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि जयदीप राणा इस अभियान का फाइनेंस हेड था। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।